नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। शाहरुख खान और उनकी फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में कई जगहों पर फिल्म जवान के शोज सुबह 6 बजे, 6:15 और 6:20 पर चलाए जाएंगे। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिस कारण 8, 9 और 10 सितंबर के लिए स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होने वाली है। इसके साथ कई रूट्स भी बंद रहेंगे, तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस बंद और पाबंदियों का किंग खान की फिल्म जवान पर कितना असर पड़ेगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली में इस 3 दिन के लिए बंद लॉन्ग वीकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों के पास लंबा वक्त होगा। ऐसे में जवान को इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक कमाई का बढ़िया मौका मिलेगा। इसी वजह से दिल्ली NCR में सुबह से लेकर देर रात तक जवान के शोज ओपन किए गए हैं। हालांकि इसमें से एक मुश्किल है जो लोगों को ज़रूर हो सकती है। G20 समिट के कारण दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई रूट्स और कुछ मेट्रो स्टेशंस भी बंद किए गए हैं। ऐसे में लोग अगर टिकट्स बुक करते हैं तो थिएटर तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि PVR आईनॉक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया है कि G20 समिट की वजह से दिल्ली में जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके कारण मध्य दिल्ली के 4 PVR थिएटर, PVR प्लाजा, रिवोली, ओडियन और ECX चाणक्यपुरी ही बंद रहेंगे। इससे फिल्म पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लगभग 2000 सीटों वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान का क्रेज़ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म की टिकट के लिए कुछ जगहों पर रात 2 बजे से लोग लाइन में लगे दिखाई दिए। वहीं किंग खान की फिल्म के कई शोज को कई जगहों पर रात में ही दिखाया जा रहा है। बिहार, कोलकाता और हैदराबाद में फिल्म का 5 बजे का शो रखा गया है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि राजगंज में फिल्म जवान को 8 सितंबर को सुबह 2:15 ही पहला शो रखा जा रहा है। वहीं जवान के एडवांस बुकिंग की बात करें तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अब तक फिल्म ने 7.5 लाख से ज़्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। वहीं ट्रेड एनालिटिक्स की माने तो शाहरुख खान की जवान अपने पहले दिन 70 करोड़ की धुआंधार ओपनिंग कर सकती है। शाहरुख खान की फिल्म कल यानी 7 सितंबर को रिलीज़ होगी। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति, शान्या मल्होत्रा, सिद्धि डोगरा और एजाज खान जैसे सितारे नज़र आएंगे। दीपिका पादुकोण भी फिल्म में जवान में एक स्पेशल कैमियो करती नज़र आएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।